ग्वालियर चंबल संभाग में लहार बना केंद्र बिंदु। लहार विधायक के यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भाजपा नेताओं का शिरकत करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। परम श्रद्धे अंतर्राष्ट्रीय वक्ता आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज ने कहा कि भगवान का परम भक्त प्रहलाद, जिसे की पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा अति भयंकर कष्ट दिए गए, यहाँ तक की प्रहलाद श्री को विष तक पिलाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, अग्नि में जलाया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद हर जगह अपने प्रभु का ही दर्शन करते थे, इसलिए उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास था कि हमारे प्रभु सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान रहते हैं। तो प्रभु श्री नरसिंह भगवान भक्त के विश्वास को पूर्ण करते हुए खम्भ से प्रकट होकर ये कर दिखाया और भक्त की इच्छा और विश्वास को पूर्ण करने के लिए वह कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त प्रकट हो सकते हैं, वह तो केवल भाव के भूखे हैं। कथा प्रसंग में विशेष महोत्सव के रूप में आज श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव विशेष धूमधाम से मनाया गया। प्रभु के प्रकट होने पर गोपियां बधाई का सामान लेकर आईं और व्यासपीठ भागवत जी में चढ़ाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को सफल बनाए। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश मांडव जी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरती कर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। और वहीं भाजपा की ओर से सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ओपीएस भदौरिया, जिला अध्यक्ष भाजपा नाथू सिंह गुर्जर, मथुरा प्रसाद महंत, पूर्व विधायक लहार आदि नेता मंचासीन रहे। श्रीमद् भागवत कथा में इन दिनों दिग्गजों का आना मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने का संकेत दे रहा है। इसके साथ साथ कुछ नया होने के अंदेशों को भांपते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी तत्काल दौरा लहार रावतपुरा मंदिर का बनाया गया है, जिसमें आज रात वो विश्राम मंदिर पर डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, गरुओ भू पर रहो और हलको गयो आकाश। भारी जो वस्तु होती है वो झुक जाती है और हल्की वस्तु ऊपर उठ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन वैकुंठ और वृंदावन को तुलनात्मक जब अध्ययन करने लगे तो गोस्वामी जी ने यह दोहा लिखा कि वृंदावन श्रेष्ठ है या वैकुंठ। तो कितने सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने हमको बताया कि वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, गरुओ भू पर रहो हलको गयो आकाश। गरुओ माने होता है भारी, तो वृंदावन भारी था। क्यों भारी था? इसलिए भारी था कि वृंदावन में राधा कृष्ण श्री बांके बिहारी विराजमान हैं, अपने नित्य विहार करते हैं।
जहाँ स्वयं प्रभु विराजमान थे, नित्य विहार स्थली श्री कृष्ण राधा की है, तो वृंदावन भू पर रहो और हल्को गयो आकाश, इसमें कोई तत्व नहीं। तो उठकर के आकाश में चला गया, तो वृंदावन शाश्वत है। तभी कहते ना, इस वृंदावन की ब्रज की धूल रज की कण, कि ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहि बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सोनाथ। जनता से हमारी अपील है कि इतने महान आचार्य जो आए हैं भागवत के, गोस्वामी जी उनके ज्ञान का लाभ लें और क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य में जुट जाए। आचार्य और भागवत रत्न पुत्र कृष्ण गोस्वामी जी के दशा स्वादन का लाभ लगातार चौथे दिन नाहर क्षेत्र की जनता कृष्ण जी के भागवत के लाभ को लेकर धर्म का और ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भागवत कथा के श्रवण से नाहर क्षेत्र समूचे भक्तगणों में आचरण को सुधारने में, देश की तरक्की में माया मोह को छोड़कर सद कल्याण के लिए ये भागवत की गई है। किसी एक व्यक्ति है, किसी अभिलाषा के लिए नहीं है, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए और देश के प्रदेश के कल्याण के लिए भागवत का कथा का आयोजन चल रहा है। आज कृष्ण जी का जन्म हुआ, पूरे लाहौर के क्षेत्र की जनता, बाहर के आए हुए भक्तगणों ने कृष्ण के जन्म पर राधा जी और नंद देव को बधाई दी है। अब लगातार 3 दिन भागवत कथा का श्रद्धा सुनेगी और लगातार 3 दिन उत्सव कृष्ण बधाई के साथ साथ कृष्ण के जन्म के उत्सव 3 दिन और भक्तगणों को आचार्य मधुर कृष्ण के गोस्वामी का रसा स्वादन का लाभ मिला।